हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ 13वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एकाद्यो वेत्ति तन्त्रो क्षेत्रज्ञ इति तद्भिद क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यस्तस्यानं मतं तत्क्षेत्रं यच्च जागेत् यद्विकारियतश्चन सतयो यत्प्रभावस्तु तत्समासेन मेषिणो ऋषिभिर्बहुधा गीतं सन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमभिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाभिधि एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारितम् अमानेत्वमदुम्भेत्वमहिषाक्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह
इंद्रियादेषु वैराग्यो मनोहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि लोकदोषानुदर्शनम् असत्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यांश समसेतत्तो निष्ठानेष्टोपपत्तिषु महितानान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवेत्व मरति जनसंसरि महितानान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवेत्व मरति जनसंसरि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद कलकत्ता में हुआ। राम 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 व्यापारी है मन स्थूल पदार्थ है प्रत्येक स्थूल पदार्थ नाशवान है तो जैसा सदा रहने वाला सुख है वह नाशवान मन कैसे दे सकता है क्या यह नहीं दे सकता क्या यह अनंत सुख जो कहते हैं उसका अनुभव मन के माध्यम से छोड़कर किसी अन्य माध्यम से होता है और ऐसा है तो वह अनंत सुख था अनुभव करने वाला कौन सा
माना हमारे देखने में तो मन और इंद्रियों से होने वाला सुख ही दिखता है और मन उस सुख को नहीं ले सकता ऐसा कहते हैं, तो मन के बिना कौन सा सुख हो सकता है? कुछ दिखता ही नहीं ऐसा मन के सिवा, मन के सिवा से सुख दिखता है। तो मन इंद्रियों से अतीत और नित्य सुख हो ऐसा कैसे माने? तब ध्यान दें आप लोग, आप गाढ़ नींद में सुख लेते हैं वो सुख मन के द्वारा होता है क्या? नहीं होता, उसमें मनोवृत्ति नहीं रहती है। मनोवृत्ति क्या रहे है? अहम भी नहीं रहता है। अहम और मन में फर्क है, मैं हूँ ये मालिक है और मन इनका कर्ण है, दास है, गुलाम है। ये मानो मन मेरा है, मैं मन का हूँ ऐसा कोई नहीं कहते हैं। कि आप ऐसा मानते हैं कि मैं मन का हूँ, मेरा मन है, तो मैं पन भी जहाँ सुषुप्ति में नहीं रहता तब सुख होता है। इस पर थोड़ा एक ध्यान दें, मैं विशेष बात कहता हूँ। इंद्रियों के और मन के बिना जो सुख होता है, उस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। केवल इंद्रियों और मन के सुख में आप रहोगे तो जी नहीं सकते, आप जी नहीं सकते। ध्यान देख रहे आप लोग सुने, जिसको नींद नहीं आवे वो आदमी पागल हो जाता है। इंद्रियों और मन का सुख कितना ही आपको मिले, छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ऐसी कोई है आपकी अवस्था जो मन इंद्रियों से ही आप सुख लेते हैं हरदम, इनके बिना आप रह सके? मैं तो कहता हूँ रह नहीं सकोगे, जी नहीं सकोगे। एक बड़ी भारी समस्या है मन को, एक धारणा बैठी है सब लोगों की, प्राय सबकी, कि मन और इंद्रियों के द्वारा ही सुख होता है। मन इंद्रियों के बिना सुख कैसे होगा? मैं कहूँ मन और इंद्रियों के सुख के बिना आदमी जी सकता है, मन मन इंद्रियों से रहित सुख के बिना जी नहीं सकता। इतना आपका वो सुख मूल्यवान है, बिना इंद्रियों बिना सुख बिना मन का। आप भी बचाव है बदाम है कि सुषुप्ति गाढ़ नींद में मन रहता है क्या? आपने मन को क्या समझा है? इन्हें जानने के लिए मैं पूछता हूँ कि आपकी दृष्टि में गाढ़ नींद में गहरी सुषुप्ति में क्या मन रहता है? जो भाई पूछता है वो बोलो। आप धारणा में ऐसा हो कहा मन रहता है, फिर विचार करें उस पर। आप ये बहुत ठीक है, तो आप बताओ कि गाढ़ नींद में सुख होता है कि नहीं होता है? तो वो मन के द्वारा होता है कि इंद्रियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? नहीं रहते तो सुख होता है कि नहीं? तो होता है भाई, मन के बिना सुख होता सबका अनुभव है। मन के बिना सुख होता है, ये इंद्रियों के बिना सुख है तो सबका अनुभव है, पशु पक्षियों का भी है। ये अनुभव मनुष्यों का है, इसमें कहना क्या है? पशुओं को भी है, और सच्ची बोलो तो वृक्षों को भी है। उसे आपे पता नहीं है, उसका पता ऐसे होता है कि रात्रि में अचानक थोड़ी बारी वृक्ष टूट जाता है, दिन में नहीं टूटता है इतना। नींद के समय होश नहीं रहता, उस समय टूट जाएगा। तो सुषुप्ति का सुख
उनको भी होता है, पशुओं को भी होता है, वृक्षों को भी होता है, जंगल स्थावर है। तो मनुष्य को तो ये शुभ होता है, उनकी बात जाने दो, मनुष्यों को शुभ होता है मन के बिना। आप थोड़ी दृष्टि डाले कि मेरी बात की ध्यान दें, मन इंद्रियों के बिना सुख होता है, ऐसा सुख इंद्रियों मन से होता ही नहीं। सबका अनुभव है ये, मन इंद्रियों के बिना जो सुख होता है ऐसा सुख मन और इंद्रियों के द्वारा होता ही नहीं। ये तो मेरी प्रतिज्ञा हुई, प्रतिज्ञा न प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि लक्षणाभ्याम, लक्षण से सिद्धि थी, लक्षण से अनुभव और लक्षण से। तो अब इनको बतावे कि मन और इंद्रियों का सुख लेने से आदमी थक जाता है, परिश्रम होता है, थक जाता है। वो थकावट मिटती है मन और इंद्रियों के बिना सुख से। इंद्रियों और मन के बिना आपको थकावट दूर हो जाती है, और शरीर में इंद्रियों में मन में ताजगी आ जाती है। इतनी खुराक मिलती है मन इंद्रिया बिना के सुख में, उस सुख में जितनी ताकत है इंद्रिय ताकत, किसी इंद्रिय के विषय में किसी मन के विषय में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी विशेष ताकत है। इससे सिद्ध ये होता है जो बेहोशी में सुख होता है वो भी इतना कीमती है। जो मैं निर्देश पढ़ करके, अगर वह सुख होश में हो तो अनुभव करो उसका। बेहोशी का सुख ऐसा होता है, नींद में बेहोशी रहती, होश नहीं रहता। समाधि में होश होता है, समाधि में और सुषुप्ति में यही फर्क है। समाधि होती है उसमें चेत नहीं रहता है, जैसे मूर्छा होती है ऐसे होती है, मूर्छा हो जाती है, और समाधि में जागृति रहती है। क्या पहचान उसकी, ऐसे बैठा है तो समाधि होगा तो ऐसे बैठ रहेगा, सुषुप्ति होती हो जाएगी। मानो शरीर में इतना भार होता है जो उठाया रख नहीं सकता है, सुषुप्ति में सिर के बोझ को उठा नहीं सकता, गिर जाएगा या समाधि में नहीं गिरेगा। तो इसी ताकत रहती है इतनी, या सुख इतना होता है जिसका कोई पारवार नहीं, या उससे अतीत सुख है वो तो अलग अलग लोगों की। तो संसार के संबंध के बिना सुख होता है, वो संसार के संबंध से सुख हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। इतनी विलक्षण बात। अब इसमें आपके प्रश्न हो तो उठाओ, बताओ, बोलो। ये तो मैंने कहा है, इससे सिद्ध होता है कि संसार के सुख से विलक्षण सुख है त्याग का। संसार के त्याग का सुख बहुत विलक्षण है। अब बात एक रुपया पैसा भोग इनसे सुख होता है, इतने भी अटक गए और इनसे बिना सुख बिना आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। और इंद्रियों के सुख और द्रव्य का सुख इसके बिना जी सकते मौज से। कितनी विलक्षण बात है, संसार के सुख बिना, संसार के त्याग का सुख भोगे बिना आप जी नहीं सकते, पागल हो जाओगे। संसार के सुख में रहने वाला पागल हो जाता है। नींद नहीं आती तो क्या दशा होती है बताओ, नींद में क्या होता है, संसार सुख तो यही है, और क्या होता है। जिस संसार को सुख मानते हैं और वो छूटने से सुख होता है, वो नींद है। रोगी को भी कहते हैं कैसे नींद आती है, ठीक है, नींद में रह नहीं सकते आप, संसार के सुख में हम रह सकते हैं, इंद्रियों के सुख में रह सकते, जी सकते हैं।
यही बात समझनी है सत्संग के द्वारा। संसार को भगवान ने दुखालय कहा है, आप तो कहते हो सुख, भगवान कहते हैं वो दुखालय। माओ कहती है पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता। संसार को बताया दुखालय जय औषधालय, औषधालय में कहते औषधि हो जाती है, वस्त्रालय उसमें वस्त्र होता है, भोजनालय उसमें भोजन होता है, पुस्तकालय उसमें पुस्तकें होती है। तो संसार का नाम है दुखालय, जिसको आप सुख कहते हैं वो दुखालय है। मन और इंद्रिय सुनने वाला है दुखालय। अब शंका संदेह हो, जिसके मन में संदेह उठा बोले, जो संदेह उठता है वो शंका उठती है। सुख छोड़ने से, सुख छोड़ दो दुख आएगा ना नजीक बिल्कुल। सुख का दूसरा नाम दुख है, दुख का दूसरा नाम सुख है। संपूर्ण दुखों का कारण इंद्रियों और मन जन्य सुख है, वो कारण है दुखों का। अगर मन इंद्रियों का सुख ना लो, दुख आपके नजीक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। और इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ोगे, दुख से पिंड छूट सकता ही नहीं कभी, नियम है। इंद्रियों का सुख लेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। मन इंद्रियों से जो सुख लेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। गीता ने साफ लिखा है ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते। जो संबंध जन्य जितने सुख है मन के संबंध से, इंद्रियों के विषयों के संबंध से, किसी संबंध जन्य सुख है उस सुख है वो कैसा है कि दुख योने दुखों का कारण है। संपूर्ण दुखों की उत्पत्ति इसी से ही होती है, इंद्रजन सुख नहीं, दुखों के कारण है और आदि अंत वाला है। बुधा तेषु नर्मदे, बुद्ध विवेक उसमें रमण नहीं करता। तो संसार का दुख मिटेगा तब कि जब आप संसार का सुख नहीं भोगोगे तो, और सुख भोगते हुए दुख मिटेगा ही नहीं चाहिए। इंद्रासन का सुख भोग लो, सम्राट का सुख भोग लो, क्रोधपति का अरुपति का सुख भोग लो, दुख से बच सकोगे नहीं। सुख तो होगा थोड़ा, दुख होता ज्यादा। भिन्न भिन्न है भोगों, बहुत भोगों में भिन्नता बहुत है, कई तरह की है, बहुत तरह की। उपनिषद में आता है मनुष्य का सुख है वो मनुष्य का पूर्ण सुख, मनुष्य का, फिर आजा देवता का, फिर मृत्यु देवता, फिर आजान देवता, फिर देवताओं, फिर देवताओं से इंद्र का, इंद्र से ब्रह्मा का, ब्रह्मा से फिर और फिर सब फिर तत्वज्ञा का, ऐसे श्रेणी बताइए। मनुष्य का सुख पूरा बताया है कि जवान तो अवस्था हो और पृथ्वी मात्र का पूरा राज्य हो, स्त्री पुरुष अनुकूल हो और मन चाहे कोई चीज बाकी न रहे, ऐसा वह मनुष्य पूरा सुख है। शरीर निरोग है, मान है, आदर है, सत्कार है, कोई शत्रु नहीं है, बैरी नहीं है, पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ा है, सुकाल है और सब अपना राज्य रहता है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, ऐसा सुख मनुष्य का पूरा सुख माना है। ये मनुष्य का पूरा सुख, इसमें कुछ कमी है तो पूरा सुख नहीं मिला मेरे को। अरे पूरा पूरा सुख किसी को मिला हुआ है आपको दिखता भी? तो मनुष्य का भी पूरा सुख नहीं मिला, जैसे सुख तो बहुत बड़े बड़े थे और सुख बाकी का दोनों में क्या अंतर है? मूर्छा में उनमें सुख का अंतर है। मूर्छा होती है वो नित्य की नहीं है, वो तो किसी कारण से होती है, और सुषुप्ति सुख तो नित्य होता है। मूर्छा किसी कारण से होती है,
दवाई से दे दो चाहे किसी मार पीट कर कर दो, बेहोशी होती है तो मूर्छा होती है। तो मूर्छा का सुख है वो सुषुप्ति का सुख जैसा नहीं है, उसमें फर्क है। सुषुप्ति का सुख में फर्क है, आपका ख्याल करो तो आपको मालूम होगा। एक बात कहता हूँ, कभी कभी सुषुप्ति का सुख होता है विशेषता से। यह मैं तो कहता हूँ सबके अनुभव की बात है, आप ख्याल करें ना करें तो मेरे को पता है। मन कभी ऐसा सुख होता है, आज बड़ी शांति से सुख से सोए, कोई स्वप्न नहीं आया और बड़ी अच्छी नींद आई, आज सुख से सोए, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो मूर्छा में भी होता है, पर सुख से सोया ये नहीं होता है। जागने पर पता लगता है इसका, सुषुप्ति के समय तो पता नहीं लगता है। सुषुप्ति के समय ये सुषुप्ति का सुख है, ये मूर्छा का सुख है, ऐसा पता नहीं लगता, एक समान है। क्यों? संसार के चिंतन का अभाव हो जाता है, परंतु जागने पर मालूम होता है कि सुख से सुषुप्ति होती है, उसमें बड़ा एक विशेष सुख मिलता है। जैसे आपके कहीं थकावट हो जाए, कहीं जाए गए हो, मरस्ता किया है, काम धंधा किया है, खूब परिश्रम किया है और कोई आपके चिंता फिक्र कुछ नहीं, शरीर से कोई परिश्रम हुआ है, उस परिश्रम के बदले आराम से आप सो जाओ, उस समय जो सुख होगा वो साधारण सुषुप्ति में नहीं होगा। कहते हैं सुषुप्ति का इतना बड़ा सुख है तो हरदम सुषुप्ति नहीं पड़ा रहे, रह सकते नहीं, पड़ो नहीं, रह सकोगे ही नहीं, कभी रह सकते नहीं, किसी की ताकत हो तो बोलो। मैं पर आप गहरा विचार करो, रह नहीं सकते, रह सकते तो बोलो, रह सकते हो आदम मिलता रह सकते हो क्या? अब भोजन हमारे को भोजन बढ़िया मिले तो सुख होता है, बढ़िया मिल जाए आती बात है, तो सुषुप्ति मिल जाए हाथ की बात है क्या? रह सकते हो क्या? कोई नहीं रह सकता। हरदम सुषुप्ति में पड़े रहे ऐसी अवस्था कैसे आ गई? ऐसी बात एक बात याद आ गई, काउंसिल में बात हुई, आपकी समष्टि सभा है ना, उसमें बात हुई कि सब निर्धन कैसे हो जाए, तो दरबार बीके दरबार भी थे उसमें, तो वे बोले कि ऐसे विचार करो कि यूं विचार सब धनवान कैसे हो जाए, तो निर्धन क्यों सोचो, यूं सोचो धनवान कैसे हो जाए, ये पढ़ाया नहीं टैक्स और ज्यादा बीच में ये बात चली थी कि धनवानों का धनवान कैसे सुनता जाए, सब निर्धन कैसे हो जाए, ये वहां प्रश्न चला संसद में। उस वर्ष में कहते हैं बीकानेर दरबार ने ये कहा कि आप सोचो ही सोचो तो निर्धनता के क्यों सोचो, सब धनवान कैसे हो जाए, ऐसा सोचो, आप सोचने को तरीका है कि... तो आप सुषुप्ति का ही सोचो, मैं कहता हूँ समाधि का, सब समाधि क्यों नहीं हो जाए, तो सोचो निर्धनता की कुछ सोचो, प्रश्न करो तो प्रश्न में अरे प्रश्न में एक दरिद्रता क्यों, मैं सोचो तो कोई भली बात सोचो तो बुरी क्यों सोचो, आत्मिक सुख बुरी सुख और सुषुप्ति का सुख बुरी अवस्था का सुख वो भी लक्षण है, और सात्विक सुख और सुषुप्ति का सुख हम भेद है। देखो भाई प्रश्नों का उत्तर तो मैं दे दूंगा, अपना क्या करना है, कौन सा सुख लेना है, इसमें सोचो बढ़िया वो बात है, क्योंकि करते हुए क्या फायदा निकलेगा ये बता दूंगा मैं जैसा पूछता हूँ पढ़ा है मैंने सुना है जैसा सीखा है वैसे कर दूंगा। सात्विक सुख होता है वो सात्विक सुख लक्षण क्या भाई बोलो, तत्सत्वम निर्मलता प्रकाशकम अनामयम, निर्विकार होता है प्रकाशक होता है, ऐसा सात्विक सुख है, मानो सब में सावचेती होती है, इंद्रिया में
मन में शरीर में स्वच्छता होती है, आलस निद्रा कुछ नहीं, सब स्वच्छ होता है और मन ठीक बन जाता है। उसमें कोई विषयों का चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं है, शांति है, सात्विक सुख है। और क्या सुषुप्ति का, सुषुप्ति का आप जानते ही हो, गार्डनिंग में सुषुप्ति का है। तुरिया अवस्था तो वो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से रहित हो, तो तुरीय अवस्था होती चौथी, तुरीय को चौथी को चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था में संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है, ये संसार के भूलने से होता है। सात्विक सात्विक सुख तो सात्विक जागृत में होता है, और सुषुप्ति होता है संसार के भूलने से, और तुरीय का होता है संसार के त्यागने से। संसार से ऊंचा उठ जाता है मन, सात्विक राजस तामस तीन वृत्तियां है, तो सात्विक से ऊंचा हो जाए, राजस से भी तामस गाढ़ी तामस वृत्ति तामस से ऊंचा उठ जाए, उन्नातीत होने से होता है। तो वो सुख एक अखंड होता है। अब वो सुख कैसा होता है तो थोड़ा आप ध्यान दो। आप सत्संग करते हो ना, ये करते हुए कभी आपने ये कीर्तन किया, आपने कभी कीर्तन में रहे हो नहीं, नाम कीर्तन होता है जिस समय उस रहे हो ना, तो नाम कीर्तन में जो सुख होता है कभी देखा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, ये तो आप जान पता नहीं है। कीर्तन में, सत्संग में, पारमार्थ विवेचन में, त्याग में, इनमें जो सुख होता है एक, वो सुख किस ढंग का होता है, वो कुछ सात्विक से ऊंचा होता है। वो सुख थोड़ा नमूना है। वो तुरीय सुख कैसा होता है तो संसार की कोई वृत्ति नहीं रहती तो उसमें सुख होता है। आपके मन वृत्ति वाला तो उसमें बढ़िया, मन का जो सुख नहीं होता है, भोगों का भी सुख नहीं होता है, त्याग का जो सुख होता है। तो कीर्तन में भगवान में जब मन लग जाता है और कीर्तन चलता है, उसमें आपको हुआ है कि नहीं अगर मेरे पता नहीं, अगर हुए तो ये सुख विशेष मालूम मिल जाएगा आपको, सुषुप्ति विशेष से सुखती से, सुषुप्ति वैसे सुख नहीं होता, सुषुप्ति बेहोश होती है, इसमें होश होता है और संसार की वृत्ति हट जाती है, बड़ी शांति मिलती है। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कीर्तन में, वो नमूना है तुरीय सुख का। जैसे अरब रुपयों का एक पैसा भी अंश है, अरब रुपयों का एक पैसा भी अंश है कि नहीं, अंश तो रुपयों का ही है, ऐसे वो अंश है सुषुप्ति तुरीय का, वो अंश है। मनुष्य संसार से सबता अलग होकर के छोड़ देता है, तो भगवान की बात चले, कोई प्रेम की बात चले, तो वो सुख होता है। इसलिए कहा नमूना है। अब कोई बात में तो पूछ लो, बने आप समय तो हो गए। दूसरी बात है, कहते हैं सुख और दुख तो जब प्रारब्ध के कारण से होता है, तो दुख है ही नहीं प्रारब्ध के कारण, सुख तो होता ही नहीं प्रारब्ध के कारण, सुख तो होता ही नहीं। अब बोलो, मूर्खता से होता है, प्रारब्ध के फल सुख दुख नहीं है। खूब समझो इस बात को, प्रारब्ध का फल सुख दुख है ही नहीं। बोलो, प्रारब्ध के कारण परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध के कारण आती है, सुख दुख मूर्खता से होता है। आप इस विषय को समझो, कृपादान मेरे मन में आती है ऐसी कि आप सबके सब इस विषय को जान जाए, कम से कम इस विषय को बातों से तो जान जाए। जैसे मारवाड़ी का हो तो प्यार नहीं हो तो जान तो गया तो और नहीं हो तो कम से कम बातों से तो थे जान लो इन बातों ने। सुख दुख है वो प्रारब्ध का फल नहीं है। लोग कहते हैं प्रारब्ध का फल, प्रारब्ध का फल सुख दुख नहीं है। प्रारब्ध का फल है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आना, उस परिस्थिति में सुख दुख आप मान सकते हो। जैसे नारद जी महाराज के बाल्यावस्था में माँ मर गई, तो माँ मरने के समान दुख कोई होता है बालक के? आप बताओ, इतने बैठे हो, बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख और क्या होगा बालक का?
बालक अवस्था में और क्या दुखों को होता है, इसे बढ़ो इसे समझ गया, माँ मर जाए जो कुछ माई है आधार उसमें तो दुख होता है ना, लाल जी नाचने लग गए भागवत में आता ही आरम्भ में खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, मौज हो गई। तो प्राप्त का काम तो माँ मर जाना है, दुखी करना थोड़ी प्राप्त का काम है। मूर्खता से होता है, मूर्खता से होता है, मूर्खता मिटने सुख हो जाता है, मूर्खता मिटती है सत्संग से। समझिए सत्संग से मिटती है, पढ़ाने से नहीं मिटती है, पढ़ाई करने से, शास्त्र पढ़ लो नहीं मिटेगी मूर्खता। शास्त्रा निरीत्या भवंती मूर्खा, पढ़े रहे पढ़े दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, एक अपने मूर्ख होते हैं। मूर्ख मिटे सुख दुख मिट जाएगा, या शास्त्र पढ़ो दुख मिटेगा नहीं कभी, शास्त्र पढ़ दो वेद पढ़ दो सुख दुख नहीं मिटेगा, या सत्संग करे तो दुख टिकेगा नहीं। नारायण नारायण, अब ये बात लेकर आप जाओ और फिर मन में विचार करो, बढ़िया लाओ प्रश्न मुझे करना अपनी बात। अब लोग ये बातों तो जान लो, कम से कम बात करना तो सीख जाओ भी, क्या होता है, कैसा सुख होता है, कैसा दुख होता है, कैसे पढ़ाई से क्या होता है, सत्संग क्या होता है। सत्संग आप करो तो बहुत मूल्यवान, सत्संग मामूली चीज नहीं है। मेरे बहुत आती है मन में, मेरे सत्संग मन में बहुत रहती है, सुनाने की रहती है, सुनने की रहती है, कोई सुनावे तो सुनने की शौक है, मैं वक्ता के प्राय सुनने की शौक नहीं होती, मेरे दोनों है, वक्ता के बोलने की शौक होती, सुनने की शौक नहीं होती, बड़े दूर चल देगा, मेरे दोनों है, बड़े हरे जी के मैं भी नहीं सुनाऊंगा, सुनने की खुराक मिले तो सुनने की भी मेरे शौक है, तो सुनाने की भी शौक है, क्योंकि इसमें सुख बहुत होता है, किसी पदार्थ से, भोग से, रुपया से, स्त्री से, पुत्र, किसी सुख इतना सुख होता है सत्संग, सुख कहो न जाए सत्संग बनवा दो, वैकुंठ थी बद तो आज सुख कहो न जाए सत्संग, इतना सत्संग सुख होता है। चलो आप लोग कृपा करके थोड़ा इसमें कह रहे उतरो, इसे पीछे पढ़ो, निहाल हो जाओ, नारायण।